दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है, इतना मिलते ही हम सब यहाँ आए हैं। स्वातंत्र के जितने भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी डी पी और पहले ही आ गए थे, जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत की है। ये पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, प्रशासन का अपना धर्म है, जो व्यवस्थाएँ हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे, सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, दो तीन फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जाँच और तह तक पहुँचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश है फिर से सामने वो स्थिति जाने की, वो किसी हाल में नहीं होने दिया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे, और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई हो ये कोशिश की जाएगी। और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। सर, ये गांव जो है मिनोरिटी कम्युनिटी के हैं, यहाँ पर क्या कोई स्पेशल पोस्टें बनाई जाएगी ऐसे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स लेने होंगे वो लिए जाएंगे। इस गांव के लोगों को भी और भी कहीं संभावित होगा तो वहाँ सर जो की बात मैंने सुनी है उसी गंभीरता से इसको मैंने देखा है। आतंकवाद समाप्त हो, ये भारत सरकार की भी मंशा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी मंशा है। आप लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, ये मैं जानता हूँ। मौत का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो शहीद साथी चले गए थे वो पूर्णीय क्षति हुई है उनके इलाकों में। लेकिन बात आप लोगों ने बताई है, आपको भरोसा देता हूँ कि एक को तर तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी उत्तम और प्रभावी कार्रवाई संभव वो की जाएगी। उन परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो आपसे बहुत शीघ्र कर देंगे। जो हमारे डीसी के लोग जो लाइसेंस चाहिए वो सब अविलंब एक सप्ताह में प्रदान करेंगे। दुख की घड़ी में मुझे लगता है कि वक्त नहीं है, और भी बार बार शोक संतप्त परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ पूरा प्रशासन खड़ा है। लगता है कि हम और आप उम्मीद करके ही इस आपदा से जम्मू कश्मीर को मुक्त करा सकते हैं।